गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए वेज चीज़ फ्रेंकी एनवलप्स। मैं शेफ़ मोनिका मांझी पटेल फ्रॉम सूरत। ये एक मेरा इनोवेशन है उन लोगों के लिए जो फ्रेंकी लवर्स हैं। हम बाहर से लाते हैं, वो पता नहीं अच्छा होता है ख़राब होता है, फ्रेश या स्टील, लेकिन अगर आप ये फ्रेंकी ट्राई करेंगे तो ये ज़रूर आपको बाहर का टेस्ट देगी। तो आप इस फ्रेंकी को ज़रूर ट्राई करें और बाहर की जो फ्रेंकी है उसे अब बाय बाय कर दीजिए, क्योंकि वो फ्रेश है या नहीं पता नहीं। तो अब हम ये रेसिपी ट्राई करेंगे कि हम घर पर बाहर जैसी फ्रेंकी, और वो भी फ्रेश और हेल्दी, कैसे बना सकते हैं। सो उसके इंग्रेडिएंट्स है, आपको पहले डो बनाना है जिसमें आपको व्हीट फ्लोर, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट, ऑयल और वाटर चाहिए। स्टफिंग के लिए आपको चाहिए बॉयल्ड एंड मैश्ड पोटैटोस, बॉयल्ड कैबेज, फाइनली चॉप टोमेटोज, फाइनली चॉप ऑनियंस, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट, चाट मसाला, टोमेटो केचप, कोरिएंडर एंड मिंट लीव्स चटनी और ग्रेटेड चीज। आपको क्लोव्स चाहिए, यानी कि लवंगा, जो हम एनवेलप्स बनाएंगे उसको क्लोज करने के लिए, और सर्विंग के लिए टोमेटो केचप या कोरिएंडर एंड मिंट लीव्स चटनी। सबसे पहले मेथड में आपको डो बनाना है, यानी कि आटा गूंदना है। डो के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स दिए हैं उन सबको मिक्स करके अच्छे से डो बना दीजिए, जैसे आप रोटी का डो बनाते हैं उस तरह से। फॉर स्टफिंग, जितना भी हमने स्टफिंग का इंग्रेडिएंट दिया है चीज़ को छोड़ के, सभी को अच्छे से मिक्स कर दें एक बाउल में। और अब आपको ये कलाज जो आएगा उसे फॉलो करना है ताकि आपके फ्रेंकी एनवेलप्स रेडी हो सकें। सबसे पहले आपको गोल रोटी बेलनी है, उसके बाद उसको नाइफ लेके स्क्वायर पीस में कट करना है, फिर सेंटर में आपको जो हमने स्टफिंग बनाई है वो डालनी है और उसके ऊपर ग्रेटेड चीज़ ऐड करनी है। फिर अपोजिट कॉर्नर्स को पहले फोल्ड करें और फिर दूसरे अपोजिट कॉर्नर्स को। एनवेलप बनने के बाद सेंटर में लविंग से आप उसको क्लोज कर दें, तो ये आपके एनवेलप्स रेडी हो जाएंगे। अब आप उसको शैलो फ्राई कर सकते हैं, या तो तवे पे जिस पे हम रोटी सेकते हैं उस पे कम ऑयल में उसको सेक भी सकते हैं, अगर आप फ्राई ना करना चाहें तो। तो आफ्टर फ्राई हमारे ये वेज चीज़ फ्रेंकी एनवेलप्स रेडी है, बहुत ही यमी है। आई होप कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। मैं शेफ मोनिका पटेल आपसे अलविदा लेती हूँ। हमारी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक शेयर करें। हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। क्वेरीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड माई रेसिपी। अलविदा।